गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ श्रद्धा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो आज मैं काफी अलग सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। सो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही क्या होगा, सो आज का वीडियो होने वाला है मेकअप फ्रॉम मीशो। तो गाइस, मीशो से मैंने मंगाए हैं आई शेडो पैलेट। सो ये है वो आई शेडो पैलेट, लाइक 1, 2 एंड 3। तो ये तीन आई शेडो पैलेट्स मैंने मंगाए हैं मीशो से। सो गाइस, मीशो से अंडर 200 रुपीस में मुझे पिक्चर में ये दो ही पैलेट दिख रहे थे, बट मुझे आए एक्चुअली ये तीन पैलेट्स। मुझे पता नहीं था कि तीन पैलेट क्यों आए, क्योंकि वो पिक्चर में भी ऐसा शो नहीं था, बट फिर भी मुझे ये तीन पैलेट आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोचा कि देख लेते हैं कैसा है। सो जस्ट इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आपको लेना है वगैरह, नहीं गाइस, आपको लेना है तो आप लो, नहीं लेना है तो मत लो। जस्ट मैं आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मीशो के पैलेट्स कैसे होते हैं और ये कैसे क्वालिटी का है। तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मीशो पे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। लाइक मुझे लगा कि ये फेक हुदा ब्यूटी का पैलेट है, सो ये अच्छा नहीं होगा, इसके पिगमेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी, बट इट्स रॉन्ग गाइज। मीशो पे ऐसे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर ली थी, बिकॉज हुदा ब्यूटी की एक पैलेट 5-7 हज़ार तक की होती है, बहुत महंगे होते हैं हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। मेरे पास हुदा ब्यूटी का एक भी पैलेट नहीं है, सो मैंने सोचा कि ये वाला मंगा के देखते हैं मीशो से कैसा आता है। अगर इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं भी यूज़ करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। सो इसीलिए मैंने ये मंगाया था और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, सो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ गाइस आपको कि ये कैसा आया है। इसके पिगमेंटेशन, इसके शिमर, ग्लिटर सब कुछ मैं आपको स्वॉच करके दिखाऊंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, सो हाय गाइस, माय नेम इज श्रद्धा, मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और मैं मेरे चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, हैक्स एंड ऑल। सो डेफिनेटली अगर आप न्यू हो सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको इन फ्यूचर मेरे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मुझे इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कर लेना गाइस, एंड यूट्यूब पे मैं एवरी थर्सडे एंड संडे वीडियोस अपलोड करती हूँ शार्प 11 AM। सो डू चेकआउट, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, और इन फ्यूचर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पैलेट दिखा रही हूँ, सो ये है न्यूड पैलेट। सो यू कैन सी ये सारे इसके कलर्स है, और मुझे ये कलर्स तो इतने अच्छे लगे, और ये क्वालिटी जो है ये पैलेट की काफी अच्छी आई है गाइस, बहुत ही ज्यादा। और इसके अंदर ऐसा ऊपर एक मिरर भी दिया गया है, एंड इसके अंदर ब्राउन, शिमर, ग्लिटर सब कुछ कलर्स दिए गए है, यू कैन सी। सो अभी इसे स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला शेड स्वॉच करूंगी, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। ओह माय गॉड, सो लेट्स स्वॉच दिस। सो यू कैन सी काफी अच्छा इसका पिगमेंटेशन है गाइस, और ये पैलेट काफ़ी अच्छी है और इसका जो ब्राउन शेड है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर यहाँ पर एक कंसीलर भी दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है कंसीलर, और इसकी पिगमेंटेशन पैलेट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो डेफिनेटली थम्स अप। सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पैलेट की तरफ। सो नेक्स्ट है ये वाली पैलेट, सो यू कैन सी इसके अंदर भी यहाँ पर एक मिरर दिया गया है, और इसके अंदर काफ़ी प्रिटी से सारे शेड्स दिए गए हैं, सारे मैट और शिमर शेड्स इसके अंदर है गाइस। सो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे शेड्स है, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, मरून, और सारे ये शिमर शेड्स भी दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। सो इसे भी सर्च करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो कौन सा वाला दिखना आपको, ये वाला ब्लैक और दो शिमर शेड्स देखते हैं, wow.
सो यू कैन सी इसके जो ब्राउन शेड्स है वो उतने पिगमेंटेड नहीं है, बट इसके शिमर वगैरह बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर भी काफ़ी पिगमेंटेड है। सो ये पैलेट का मोस्टली जो शिमर शेड्स है काफ़ी अच्छा है, मैं इसे बहुत बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, अगर आप लोग मेरे इंस्टा पे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। सो ये भी पैलेट काफ़ी अच्छी है, सो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दिस। तो अभी लास्ट और थर्ड पैलेट मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि मेरी ये तीनों पैलेट में से सबसे फेवरेट पैलेट है। सो ये है वो पैलेट, सो ये है हुदा ब्यूटी 15 कलर आई शेडो पैलेट। सो इसके अंदर ऐसे सारे ही शिमर शेड्स दिए गए गाइस। सो इसके अंदर थोड़े बहुत मैट शेड और मोस्टली सारे शिमर शेड्स ही दिए गए हैं, यू कैन सी। और मैंने इसे बहुत यूज़ कर चुकी हूँ गाइस ऑलरेडी, मैं जहाँ पर भी मेकअप वगैरह करती हूँ मैं वहाँ पर शिमर्स के यही पैलेट यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो है वो सारे ही मोस्टली लाइक ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, पिंकिश और लाइक ग्रे में और ये मरून कलर में और लाइक मरून कलर और ये सारे ही कलर के शिमर्स दिए गए, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पैलेट। और आपको मैं इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रीमी सॉफ्ट ऐसे ये टच करने पे फील हो रहा है। ओह माय गॉड, वाव, यू कैन सी द पिगमेंटेशन गाइस, आई एम नॉट किडिंग यू, ये रियल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है ये सारे शेड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रीमी टेक्सचर में है और ये तीनों भी जो है शिमर है और ये है पाउडर। सो ये पैलेट के लिए मैं तो 10/10 दूंगी इसे, बिकॉज ये पैलेट मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो फोटो में जो है सिर्फ ये दो ही पैलेट दिखाए गए थे, बट मुझे आए ये तीन पैलेट पता नहीं क्यों। सो मतलब मैंने देखा तो मुझे वो दो पैलेट से ज़्यादा अच्छी तो ये वाली पैलेट लगी। सो डेफिनेटली 200 rupees के अंदर वर्थ इट है गाइस, डेफिनेटली ये तीनों पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहूँगी कि लाइक ये जो है ये फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी या फेक प्रोडक्ट है, सो इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें पता नहीं होता है। सो मोस्टली जो है हमें फेक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, फेक प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेस प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज बेस से जो है हमारी स्किन ख़राब हो सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा फेस जो है डैमेज हो सकता है। सो इसके लिए आई शेडो पैलेट्स में इतना कुछ होता नहीं है। सो इसके लिए वो पाउडर जो है कभी एक्सपायर नहीं होता है और केमिकल तो मोस्टली सभी आई शेडो पैलेट्स में होते हैं। सो मैंने सोचा इसलिए कि ट्राई करके देखते हैं, भले ही फेक तो हुदा ब्यूटी के कैसे आते हैं पैलेट्स। सो मैंने जैसे कि आपको दिखाया वीडियो में ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज ये जस्ट एक रिव्यू था मेरे तरफ से। सो डेफिनेटली अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना गाइज। सो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।